हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पाखी फैमिली व्लॉग पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। समझे, चैनल का नाम रखना चाहिए पाखी एंड आया फैमिली, दोनों का नाम आ जाए। तो यहाँ पे मैं इसको सुला रही थी और सुलाते सुलाते मैंने सोचा कि इसके नेल्स भी कट कर देती हूँ, और बहुत बड़े बड़े होते हैं क्योंकि इसने दो जगह अपने चेहरे पर जो है वो लगा लिए हैं। हाथ तो उसे करते ही हैं बच्चे, मुट्ठी वो करते हैं, तो इसकी आँखों के नीचे लग रहा हुआ है एक तो बहुत ही, और बहुत रोती भी है। फिर कहीं से है इसका इरादा सोने का? नहीं बेटा, नाड़ पर नाड़ पर पीछे हाथ लगा बेटा। नहीं मांटू, नहीं मांटू, नहीं बेटा, इतनी किसी नहीं करा करते। और बच्चों के साथ में माँ की हालत ये हो जाती है, अनाया को संभालना इतना ज़्यादा वो हो रहा है, पूरा दिन ऐसे निकल जाता है कि पता ही नहीं चलता। मेरी तो आँखों के नीचे भी देखिए कितने ज़्यादा डार्क सर्कल्स हो रहे हैं, बाल देखिए, मेरी हालत देखिए। मैं आप लोगों को वही बता रही थी कि क्या हालत मेरी हो रही है। थोड़ा सा मतलब कि टाइम नहीं मिल पाता है और इसको सुलाने की कोशिश कर रही हूँ। मांटू तो सो गए स्कूल से आके, पर इन मैडम को ही बस नींद नहीं आती है, इनको जागना है। पता नहीं इनको कौन सी ड्यूटी देनी होती है कि इनको जागना है, बस इन्हीं को सोना नहीं है, बाकी सब सो जाएंगे। और देखिए कैसे होठ निकाल निकाल के रोने की कोशिश कर रही है, पता नहीं जाने कितना काम इस मैडम पे हमने करवा लिया। और मांटू के लिए उसको भी ट्यूशन जाना है, तो ये ब्रेड रखी हुई थी, थोड़ी सी आलू की स्टफिंग भी थी, उससे इसके जो है सैंडविच बना दिए हैं। मेरी बना दो, तब जी तुम मेरी बना दो। अनाया बेटा, मेरा किसने मारा, किसने मारा तेरा बेटा? बेटा टूट जा रहा है। फाइल खाली थी बेटा, इसमें कुछ पेपर रखे थे। खाली फाइल थी तो मां, इसमें ना मैं साइन कर दूं। चलो आ जाओ मेरे पास। लगा नहीं आराम दवा झाड़ में, सतेंद्र को बुलाऊं थोड़ा, और तो कोई परेशानी। तो मम्मी पापा जी दीदी सभी लोग आए हुए हैं और बच्चे भी। मैं यहाँ पे जोत जला रही हूँ, दीदी की तबीयत ठीक नहीं है इसलिए आए हैं। अभी तो उनके साथ में वैसी प्रॉब्लम चल रही थी घर की, और उसी के उसमें जैसे रोज़ का आना जाना, भाग दौड़, दोपहरी, इन सारी चीज़ों में उनकी वैसे भी तबीयत ख़राब हो गई। अभी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है, मतलब कि कैसे बताएं, बस बताएंगी वो अपनी वीडियो में, आप लोगों को बता ही देंगे कि क्या चल रहा है, पर इस टाइम पे उनकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इतना हम बता सकते हैं। तो अभी मैं बना रही हूँ खाना, थोड़ी सी देर के लिए अनाया को चुप कराया है, मैं फटाक से किचन में आ गई। मैंने कहा जल्दी जल्दी से रोटी बना देती हूँ, क्योंकि फिर वो रोने लगती है, तो मम्मी भी फिर यही बोल रही थी कि तू उसको ले ले रोटी, मैं अपने आप बना लूँ, क्योंकि वो किसी और के पास में रुकती नहीं है। बच्चे भी यहाँ पे खाना पीना खा रहे हैं, सारे यहाँ पे बैठे थे क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी, टाइम पे लाइट नहीं आ रही थी, लाइट आए तो एसी वाले रूम में सब लोग बैठ जाएं, जब लाइट नहीं तो बाहर यहाँ पे गैलरी में आकर के जो है वो बैठ गए थे सभी लोग। तो बस यहाँ पे सब लोगों ने खाना पीना खा लिया है, बच्चे भी खेल रहे हैं। अच्छा
चीज। मिटा सकती है भगवान के, भगवान का नाम लेते हैं। कौन कह रही? हाँ यही तो कह रही है। इलेक्ट्रॉनिक क्यों ज्योति कैसा लौट गए? पीली अजय क्या लगा रखा तुमने? क्लिप क्लिप कहाँ लगा रखा अपने मुंह पे? हाँ जो कहाँ लगाया क्लिप तुमने? क्लिप कहाँ लगाया? मेरी बात देख रहा था एक बार मिल लिया गले यार देख जा लिया भाई। बुखार अब ठीक है यार आराम है भाई। आ जाओ आ गया बुला ले उसे। हाँ चलो चप्पल कोई से नहीं। किसका मानतू बेटा? पेपर भी है बच्चे मान तो पेपर बच्चे। रिकॉर्ड हो जाएगा क्या करना मुझे? पंखे छत झाड़ू ये सब तो ना लिखा डायरी में मेरी ये भी करना मुझे। रिक्शा भी कितना आतंक मचा रखा है। मौसम तो बढ़िया हो रहा गर्मी ना हो रही। अम्मा
सभी लोग चले गए हैं और उसके बाद मैं थोड़ी देर के लिए नहीं, आधा पौन घंटे के लिए बैठ गए थे, क्योंकि तुरंत जब घर से कोई जाता है तो तुरंत ही काम नहीं करना चाहिए। तो वो सब लोग चले गए थे, फिर मैं थोड़ी देर के लिए बैठ गई और उसके बाद मैं फिर से अपने घर की साफ़ सफाई में लगी हूँ। क्योंकि देखिए, जब सभी लोग रहते हैं ना तो तब जब काम करने का मन करता है, क्योंकि कोई है तो देखिए, ऐसा तो है नहीं कि हम अपनी साफ़ सफाई में और घर के कामों में लगे रहें। तो वही है, मैं फिर उसके बाद में जो है अपने घर के कामों में लगी थी। साफ़ सफाई में मैंने जीना साफ़ किया और फिर ये बाहर वाली जो गैलरी है वो साफ़ कर दूँगी। अंदर तो फिर भी हम करते रहे धीरे धीरे, कोई दिक्कत नहीं है, पर जब बाहर गंदा रहता है ना तो ज़्यादा दिक्कत होती है। तो इसलिए मैंने सोचा सबसे पहले ना ये जो गैलरी है उसको साफ़ करती हूँ यहाँ पे। और ये मैंने पूरी अच्छे से धो दी, इसमें फिर मैं वाइपर लगा दूँगी और अच्छे से पोछा भी लगा दूँगी, पंखा चला के छोड़ दूँगी ताकि ये अच्छे से सूख जाए, क्योंकि गीला गीला भी अच्छा नहीं लगता है और धुलने से ही अच्छे से साफ़ होता है। पोछे से मुझे लगता है अगर मैं लगा भी देती तो मक्खी आती ही आती। अब ये बढ़िया तरीके से ये भी साफ़ कर दिया और मैंने अंदर से जो जहाँ पे इन्वर्टर और बैटरा रखा हुआ है हमारा, वो भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया। बाहर का ये जो है इसको भी मैं बढ़िया तरीके से धो दूँगी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा, पता नहीं इस टाइम पे होते हैं, बहुत ही ज़्यादा कीड़े मकोड़े आते हैं। और ये जो पायदान है वो भी बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था, तो इस पर भी मैंने पाइप से और झाड़ू से ये भी बढ़िया तरीके से साफ़ कर दिया है। और ये बाहर का जो भी मेरा आंगन है इसको भी मैं बढ़िया तरीके से साफ़ कर दूँगी। डस्टबिन पोंछे ये भी सब बाहर निकाल लिए हैं, इन पर भी मैंने सब पे जो है सर्फ़ डाल के छोड़ दिया है, इनको भी बढ़िया तरीके से साफ़ कर दूँगी। और डस्टबिन में दोनों में सर्फ डाल के पानी भर के छोड़ दिया है, इनको भी दोनों को मैं साफ़ करके तभी अंदर रखूँगी। बहुत स्मेल आती है इस टाइम पे, अगर कोई भी जैसे ये एक में मैं जो बचा हुआ खाना होता है वो रखती हूँ जिसको धोमन बोलते हैं, और एक में मैं कूड़ा रखती हूँ। तो रोज़ के रोज़ अगर ये साफ़ हो जाए तो ठीक है, अगर ये साफ़ नहीं होते हैं तो इनमें बहुत ही गंदी सी स्मेल आती है। तो देखिए मैंने ये सारा धुल दिया। ये यहाँ पर मेरी जो चाची जी हैं वो बैठी हुई हैं, तो उनसे भी बातचीत कर रही थी और मैं अपना काम भी कर रही थी। फिर मैं इन्हीं के साथ में अंदर चली गई, मैंने कहा चलो बाहर का काम तो ख़त्म कर ही लेते हैं, बाहर का काम ख़त्म करके फिर अंदर चलेंगे। यहाँ पे आ गए हैं अंदर, तो चाची जी जो हैं वो ले रही हैं अनाया को। और बस ये चाची की तबीयत ठीक नहीं थी तो काफ़ी टाइम से आई नहीं थी, कह रही कि आज ही टाइम लगा है और आज ही मैं आई हूँ, काफ़ी टाइम बाद अनाया को भी देखा है। बस थोड़ी सी देर के लिए उनके पास में बैठे और फिर जो है मैं आ गई थी अंदर रूम में। तो मैं यहाँ पे सारे जो कपड़े हैं मैं सोच रही थी प्रेस करूँगी, पर सच मानिए, यकीन मानिए, टाइम ही नहीं लगा। मैंने सोचा प्रेस इन पे होगी नहीं, ऐसे ही फैले रहेंगे, तो इससे तो अच्छा है इनको तह लगा के रख देती हूँ, जब ये पहने जाएंगे तभी मैं प्रेस कर लूँगी, क्योंकि इस टाइम पे टाइम की बहुत कमी है, बहुत ही ज़्यादा कमी है। चलिए करते हैं वीडियो का एंड, और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा।
थोड़ा सा भी अच्छा लगे, वीडियो का कोई भी पार्ट आपको पसंद आता है तो उसके लिए आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में।